हेलो एवरीवन, जीत क्लास एट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कल हमने साइंस की डेफिनेशन देखी थी, उसका सामान्य परिचय देखा था, जनक देखे थे, फिर हमने उसकी शाखाओं का अध्ययन किया था और बाद में हमने शुरुआत की थी केमिस्ट्री रसायन विज्ञान से। हमने रसायन विज्ञान में पदार्थ पढ़ा था, अब उसकी अवस्थाएं पढ़ी, फिर अब बढ़ते हैं आगे। तो उससे पहले कुछ पंक्तियां हैं आपके लिए, सुनिएगा। ना पूछो मुझसे मंजिल मेरी, ना पूछो मुझसे मंजिल मेरी, बस अभी अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, यह मैंने किसी और से नहीं बल्कि खुद से वादा किया है। तो शुरुआत करते हैं इसी गर्म जोशी के साथ आज की केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, जिसका शुरुआत हमने कल की थी, इसकी अवस्थाएं वगैरह पढ़ी थी। आज चलते हैं उससे कुछ आगे। तो आगे देखिएगा, पदार्थ को संगठन के आधार पर, पदार्थ को संगठन के आधार पर, पदार्थ संगठन के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। कौन से हैं? दो प्रकार कहो या भाग कहो। पहला शुद्ध पदार्थ, दूसरा मिश्रण। आगे बढ़ते हैं, अब देखिएगा कि शुद्ध पदार्थों को भी आगे दो भागों में बांटा गया है। इसके भी दो प्रकार हैं, पहला तत्व और दूसरा यौगिक। अब देखो आगे, तत्व को भी और तीन भागों में बांटा गया है, या फिर कहें तो तत्व के भी तीन प्रकार हैं। पहला धातु, अधातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। इनके गुण वगैरह आगे बढ़ते हैं, पहले इनके वर्गीकरण पढ़ लें। अब देखिए यौगिक का ही अध्ययन करेंगे यहां पर, और अब आगे यहां पर बढ़ते हैं। मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से दो भाग? पहला समांगी मिश्रण और दूसरा द्विसमांगी मिश्रण। यह संगठन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण है। अब इन सभी का हम परिचय करेंगे, इनसे इन सभी का अध्ययन करेंगे। पहला था शुद्ध पदार्थ और फिर बाद में था तत्व। हेडिंग लिखते हैं तत्व। तत्व की परिभाषा क्या है? तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ होता है। यही इसकी परिभाषा है कि एक समान परमाणुओं से बना हुआ होता है। बना होता है, इसके उदाहरण आपने कभी आवर्त सारणी पढ़ी होगी, वो सारे के सारे तत्व ही है। तो देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, ये सारे के सारे तत्व हैं। वर्तमान स्थिति तक आप देख सकते हैं कि तत्वों की संख्या
118 है और अभी तक खोज जारी है, यानी कि और तत्व बढ़ सकते हैं। अभी लेटेस्ट उदाहरण दूं तो 2016 8 नवंबर 2016 को ही 4 नए तत्वों की खोज हुई थी। ये तत्व कौन कौन से हैं, ज्यादा कंपटीशन में पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन फिर भी इतना गहन अध्ययन इसके सवाल नहीं आते हैं, क्योंकि अभी अभी इनकी खोज हुई है, इनके बारे में ज्यादा जानकारी वगैरह नहीं है। तो हो गया ये, आप इससे ये विचार कर सकते हैं कि अभी तक परमाणु की खोज हो रही है, यह बहुत अभी की ही बात है, नई बात है। लगभग इनको 4 और 2 6-7 साल हो गए हैं इन तत्वों की खोज हुए हैं, इन तत्वों के अभी तक दूध के दांत भी नहीं निकले होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, तत्वों को भी आगे 3 प्रकार में बांटा गया है, हमने वर्गीकरण में पढ़ा था, धातु, अधातु और उपधातु। तो सबसे पहले लेते हैं हम पहला प्रकार यानी कि धातु। तो देखिए धातु के गुण क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो धातु धनायन का व्यवहार दर्शाता है, धनायन देता है कहें या फिर यह धनावेशित रहता है, प्लस चार्ज क्यों देता है। तो आपने पढ़ा होगा 10th तक की क्लासों में कि एक परमाणु होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, अलग अलग परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग होती है। इसे हम आगे आगे जो टॉपिक आएंगे उनमें परमाणु को पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी लीजिएगा। अगर किसी कारणवश इन्हें ऊर्जा देते हैं या फिर और आगे इसे जुड़ना होता है तो यह इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है अलग, अगर ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो फिर ये धनावेशित हो जाता है, इसकी प्रवृत्ति धनावेशित हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो यह ऋणावेशित हो जाता है। तो धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती है यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज देती है। आगे बढ़ते हैं धातु के गुणों में, तो धातुएं आघात वर्धनीय होती है, और तन्य होती है। अब आघात वर्धनीयता और तन्यता क्या होती है समझिएगा, आपने कभी देखा होगा सुनार को, वह सोने की अगर कहे तो सोने के कण या बट्टी कहे कुछ भी कहे, उसको हथौड़े से पीटता है तो वह चपटी हो जाती है, वह परत का रूप लेती है। यह आघात वर्धनीयता कहलाता है कि किसी धातु पर दाब डालने पर वह परत के रूप में ढलने लगती है, उसे कहते हैं या फिर चपटी हो जाती है, उसे कहते हैं आघात वर्धनीयता का गुण। दूसरा है तन्य, तन्यता का गुण, तो तन्यता किसे कहते हैं, देखिए तार के सेत में आना तन्यता कहलाता है। आपने यहाँ भी सुनार को देखा होगा कि वह सोने और चांदी को तारों में बदलते हैं, हमारे खेतों के चारों ओर तार बंदी रहती है, वो तार किन से बने होते हैं, उनमें भी तन्यता का गुण होता है। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले देखिएगा कि सबसे ज्यादा तन्य और आघात वर्धनीयता का गुण किन में पाया जाता है, तो उसका जवाब है सोना। सोने के अंदर सबसे ज्यादा तन्यता का गुण पाया जाता है, AU से डिनोट करते हैं सोने को, U छोटा। सोना आगे बढ़ते हैं, आघात वर्धनीय हो गया। अब देखिए धातुएं ठोस होती है, धातुएं ठोस होती है, इनमें ठोस रहने का गुण है, ठोस द्रव गैस क्या होते हैं हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, वापस ध्यान से रिवीजन कीजिएगा। अब देखिए ठोस, लेकिन यहां पर एक अपवाद है, धातुएं ठोस होती है। अब शुरू होते हैं आपके अपवाद, केमिस्ट्री अपवादों पे चलती है, ज्यादातर अपवाद से क्वेश्चन आते हैं, तो सुनिएगा कि एक उदाहरण है मरकरी HG, ये दोनों याद रखने जरूरी है, कभी कभी पेपर में कंफ्यूज करने के लिए इसे नहीं और इसके सिंडिकेट को दे देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मरकरी, हाँ मरकरी कमरे के ताप पर
अपवाद है रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहती है। यहां धातु में अपवाद देखिए, ठोस न रहकर द्रव अवस्था में रहती है। आगे बढ़ते हैं तो धातु में कठोरता का गुण पाया जाता है, यानी वह हाथ लगाने पर सख्त महसूस होती है, कठोर महसूस होती है। तो इसका भी अपवाद है, केमिस्ट्री अपवादों पर चलती है, तो इसका अपवाद है सारीय धातु है। सारीय धातु कौन कौन सी धातु है? देखिए तीन धातुएं हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। Li लिथियम, Na सोडियम और K का पोटेशियम। ये तीन धातुएं हैं, ये कोमल रहती है, या कहे तो इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। वह तीन धातुएं जिन्हें चाकू से काट सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। यहां पर देखिए सुचालकता का सबसे बेहतरीन उदाहरण कौन सा है? तो चांदी। यह विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है, सर्वोच्च चालक धातु। आगे बढ़ते हैं, तन्य पढ़ लिया, अगाध वर्धनीय पढ़ लिया, कठोर पढ़ लिया, चालक पढ़ लिया, और भी आगे कौन से गुण है? सारे गुण हो चुके हैं, इनके उदाहरण आपको पता होगा, लोहा, सोडियम हमने लिखा ही था, वापस से लिख लीजिए, सोडियम, आयरन, पोटेशियम एटसेट्रा एटसेट्रा। आगे बढ़ते हैं अधातुओं पर, तो जो वो गुण थे उन्हीं गुणों पर चर्चा करते हैं वापस। अधातुएं नेगेटिव चार्ज, यानी कि यह ऋणात्मक धनावे ऋणात्मक व्यवहार प्रदर्शित करती है, यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, हमने पढ़ा था, यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, अतः यह ऋणावेशित गुण दर्शाती है, नेगेटिव चार्ज। आगे बढ़ते हैं, दूसरा आघात वर्धनीय, तन्य, इनमें यह गुण नहीं पाया जाता है, यह धातु के विपरीत गुण है, इनमें यह गुण नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक समानता भी है, यह कमरे के ताप पर ठोस बनी रहती है, रूम टेम्परेचर पर ठोस रहती है अधातु, लेकिन इनका अपवाद 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 और अपवाद, केमिस्ट्री अपवादों पर टिकी है, ब्रोमीन, बी आर, यह अधातु है जो कमरे के ताप पर ठोस न रहकर द्रव में रहती है। आगे बढ़ते हैं, ब्रोमीन अपवाद हो गया, तन्य हो गया, अब ये विद्युत की कुचालक होती है। तो देखिए फिर से बाबा अपवाद की एंट्री होती है यहां पर, तो यहां पर अपवाद कौन है? कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट, कार्बन का अपर
रूट, ये क्यों होती है, इसके पीछे कारण होता है कार्बन की संयोजकता है तीन होती है, लेकिन इसमें कुछ अलग होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है, क्यों रहता है, कैसे रहता है, ये आगे परमाणु मॉडल वगैरह हम पढ़ेंगे तो फिर वहां पर विशेष तरीके से समझाया जा सकता है, इसके लिए उसका बेसिक्स जरूरी है। तो विद्युत की कुचालक ग्रेफाइट कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होना ये गुण है, नहीं सॉरी अधातु का गुण है कुचालकता प्रदर्शित करना विद्युत की, लेकिन ग्रेफाइट अपवाद है, यह विद्युत का अच्छा चालन करता है, यहाँ पर लिखिएगा अपवाद। आगे बढ़ते हैं, चालक हो गया, आघात वर्धनीय ठोस कठोर ये भी हो गए, आगे बढ़ते हैं अधातु पूरा हुआ, उपधातु। तो उपधातु में देखिएगा कि धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, कुछ कुछ धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, यह दोनों के गुण प्रदर्शित करती है। अधातु कहाँ पाई जाती है, आवर्त सारणी के अंदर, ये थोड़ा सा देखेगा रफ आवर्त सारणी बनाकर, ऐसी आवर्त सारणी आपने पढ़ी होगी, रफ छोटी सी बनाते हैं, ज्यादा बड़ी बन गई, कुछ इस प्रकार से होती है आवर्त सारणी, रफली बनाई है। अब यहां पर होते हैं उपधातु है, सीढ़ी नुमा आकार में, इनकी संख्या सात होती है, ये इस तरह से बनी हुई होती है, एकदम से सीढ़ी नुमा होती है, इधर होती है इनके धातुए, तो उधर होती है अधातु। ये आवर्त सारणी का भी टॉपिक है जिसे हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर सिर्फ इनका उपधातुओं का अध्ययन करना है। अब उपधातुओं के अध्ययन करने के लिए एक छोटी सी अच्छी सी ट्रिक है, ध्यान रखिएगा, बबलू सिंह जी, बबलू सिंह जी ने असली, बबलू सिंह जी ने असली साबुन तेल पोता, एडजस्ट किया गया है सेंटेंस को कि बबलू जी ने असली अच्छे वाले साबुन और तेल लगाए हैं आज, तो इससे देखिएगा बबलू बी बोरोन बी यानी बोरोन सिंह यानी एसआई सिलिकॉन जी जर्मेनियम, असली यानी एस आर्सेनिक, अच्छी ट्रिक है याद करने के लिए, साबुन SB, इसका नाम थोड़े शब्दों से नहीं मिलता है इसलिए याद करने में दिक्कत हो सकती है, एंटी, एक मिनट रुकिएगा, एंटी मनी,
आगे देखते हैं टीका टेल्यूरियम और पोप का पियो पोलिनियम। तो ये हो गए अच्छी टीके उपधातुओं को याद करने की। इससे आसानी से यह क्रम आपको याद हो जाएगा। बबलू सिंह जी ने असली साबुन तेल पोता, बबलू से बोरोन, बी सिंह से सिलिकॉन, जी से जर्मेनियम, असली से आर्सेनिक, साबुन से एसबी एंटीमनी, तेल टी टीई से टेल्यूरियम और पोत पीओ से पोलिनियम। एक बार यहां पर वापस लिखते हैं, देखिएगा। सबसे पहले बोरोन, बबलू सिंह सिलिकॉन, बबलू सिंह जी ने जर्मेनियम, बबलू सिंह जी ने असली आर्सेनिक, असली साबुन तेल एसबी, तेल टी साबुन तेल होता, पीओ पोलिनियम। तो ये उपधातु सात उपधातु हो गई, ये अवर सारणी में सीढ़ी नुमा आकार में व्यवस्थित रहती है। ये आगे विस्तृत से पढ़ेंगे अवर सारणी, तो उसमें और गहन अध्ययन करेंगे। उपधातुओं के गुण आपने देख लिए कि धातु और अधातु के मिश्रित गुण इनमें दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं मिश्रण। मिश्रण क्या होता है, हमने शुद्ध पदार्थ पढ़े और फिर दूसरा प्रकार पढ़ा मिश्रण। तो देखिए परिभाषा, दो या दो से अधिक घटकों से बना होता है, यानी कहें तो दो या दो अधिक अधिक पदार्थों से घटकों से बना होता है। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, तेल और पानी। दूसरा उदाहरण ले तो शक्कर और पानी। तीसरा अल्कोहल और पानी, कुछ लोग सोडा भी मिलाते हैं, समझ गए होंगे शराब में पानी मिलाते हुए किसी को देखा होगा, ज्यादा नहीं तो टीवी पर देखा होगा। आगे बढ़ते हैं, मिश्रण को भी आगे दो प्रकारों में बांटा गया है, समांगी और विसमांगी मिश्रण। तो पहला है समांगी मिश्रण, ध्यान से देखिएगा। यह दो या दो से अधिक तत्वों या पदार्थों से मिलकर बना होता है, दो या दो या दो से अधिक, भाव समझिएगा, परिभाषा नहीं, परिभाषा का अर्थ समझ में आना, इसका महत्व समझ में आना जरूरी है। दो या दो से अधिक घटकों से मिलकर बना है, लेकिन यहां पर एक शर्त है। शर्त क्या है कि जो भी इसके घटक है वो एक निश्चित अनुपात में होने जरूरी है, निश्चित अनुपात में। अगर यह निश्चित अनुपात में होंगे तो यह एक प्रावस्था दर्शाएंगे। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, एक प्रावस्था यानी वह एक ही स्थिति में दिखेंगे, उनमें आप विभिन्नता ही नहीं देख पाओगे। उदाहरण ले तो देखिएगा, शक्कर और पानी का घोल, नमक और पानी का घोल, उदाहरण घरेलू उदाहरण ले रहे हैं जिसे आसानी से समझ में आए। आपने कभी देखा होगा पानी में नमक को घोलते हुए, तो अगर कांच की गिलास है तो देखिएगा
नमक पूरी तरह से घुलने के बाद, शुद्ध नमक उसमें पूरी तरह से घुलने के बाद उसमें विभिन्नता ही नहीं दिखाई देती, यानी कि आप नमक के कण को पानी से अलग नहीं देख पाते हैं, वह उसमें अच्छी तरह से घुल जाता है, वह एक प्रावस्था यानी एक ही स्थिति में दिखाई देता है। यह समांगी मिश्रण का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक टॉपिक छूट गया है, पहले उसको वापस देखते हैं, तो पीछे आइएगा। तत्वों के वर्गीकरण में हमने पढ़ा था यौगिक, उसे भूल गए थे सॉरी। तो देखिए यौगिक, यौगिक क्या होता है? यौगिक भी दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। इसमें शर्त है निश्चित अनुपात में, और यहां पर देखिएगा कि इसे वापस भौतिक क्रियाओं, भौतिक विधियों के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ और सिर्फ रासायनिक विधियों द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। तो रासायनिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। उदाहरण देखिएगा अमोनिया, NH3, अमोनिया, अमोनिया का सूत्र अणु सूत्र NH3 है। अब ये उदाहरण कैसे है यौगिक का देखिएगा। तत्व हमने पढ़े थे उसमें एक नाइट्रोजन भी तत्व है और हाइड्रोजन भी तत्व है, लेकिन यहां पर दोनों का अनुपात है NH3, N अनुपात 1 और H का अनुपात 3, 1:3 में मिलकर बना हुआ है। अब क्यों मिलकर बना हुआ है ये आगे पढ़ेंगे, इसकी संयोजकता वगैरह का इसमें नियम लगते हैं, साधारण उदाहरण से ही समझते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, आप जानते होंगे H2O पानी 2:1 निश्चित अनुपात से बना हुआ है। परिभाषा हो गई, ये मुख्य बिंदु है कि इसे रासायनिक विधियों के द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, यौगिक हो गया। अब हम वापस आते हैं हमारे मूलभूत, वापस टॉपिक पर आते हैं, मिश्रण पर। मिश्रण हो गया था, और मिश्रण का पहला प्रकार दो या दो से अधिक घटकों से मिलकर बना होता है। यहां पर यह शर्त नहीं है, निश्चित अनुपात की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ज्यादा भी नहीं हो सकते कि नमक और शक्कर बराबर घोल दोगे, नहीं, नमक और पानी बराबर घोल दोगे, ऐसा तो होगा नहीं कि वो सब मिल जाएंगे। कुछ अंतर होना चाहिए, जो विलायक हो वो अधिक मात्रा में होना चाहिए विलेय से। तो नमक और पानी घोलते हैं तो उनकी प्रावस्था एक होती है। नमक और पानी को घोलते हुए देखते हैं तो नमक और पानी के कण अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं, यह हमने पढ़ लिया था। दूसरा प्रकार द्विसमांगी मिश्रण, इसमें भी परिभाषा में ज्यादा विभिन्नता नहीं है, यह भी दो या दो से अधिक घटकों से मिलकर बना होता है। मिलकर बना होता है, आप आगे समझ जाइएगा। उसमें शर्त थी कि वह एक प्रावस्था में दिखाई देता था, अब यहां पर है कि यह अलग अलग दिखाई देंगे, यह एक प्रावस्था में नहीं दिखाई देंगे। जैसे उदाहरण लेते हैं पानी और तेल का, तो एक बीकर लीजिएगा, एक बर्तन लीजिएगा, बाल्टी लीजिएगा, या फिर छोटी सी कटोरी लीजिएगा, जो आपकी मर्जी हो वो लीजिएगा, उसमें पानी मिलाइएगा और ऊपर से तेल मिलाइएगा,
तो आप देखेंगे कि तेल की बूंदे या कहें तो तेल की परत ऊपर जम जाएगी। उसे आप कितना भी हिलाइएगा और देखिएगा आपको तेल और पानी अलग अलग दिखेंगे, यानी कि इसकी एक प्रावस्था नहीं हुई, दूसरी प्रावस्था दिखने लग गई, आप तेल और पानी को अलग अलग देख पा रहे हैं। और उदाहरण लें तो पानी के अंदर मिट्टी डाल देना, उसको अच्छे से मिक्स कर लेना, चाहे मिक्सी में मिक्स कर लेना, फिर भी वापस देखना मिट्टी के कण स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे, पानी अलग दिखाई देगा और मिट्टी के कण आपको अलग दिखाई देंगे। यह हो गए द्विसमांगी मिश्रण के उदाहरण। समांगी और विषमांगी में यही अंतर है कि उसमें घुल जाता है अच्छे से, एक रूप में आ जाते हैं, लेकिन इसमें अच्छे से घुल नहीं पाते हैं। उदाहरण आपने देख लिए, आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ तो लिए मिश्रण, लेकिन अब अगर हम मिश्रणों को मिलाएं और उनको पृथक करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। विज्ञान में काफी हद तक चीजें संभव है। तो देखिए, पहली विधि क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या है, इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे तो उदाहरण से समझिएगा कि शक्कर और पानी का घोल बनाते हैं हम। इसे गर्म करने पर पानी वाष्प में बदल जाएगा, पानी वाष्प में बदलकर उड़ जाएगा, कहे तो इसे अलग हो जाएगा। पीछे बचेगी शक्कर, शक्कर का थोड़ा सा गाढ़ा रूप होगा, कहे तो द्रव्य जैसा होगा। अब इसे वापस ठंडा किया जाएगा तो शक्कर के क्रिस्टल प्राप्त होंगे। यही क्रिस्टलीकरण है कि ठोस और द्रव दोनों का विलयन बना हुआ है, दोनों एक रूप हो गए हैं, तो उन्हें अलग करने के लिए उन्हें गर्म किया जाएगा। ठोस को गर्म किया जाता है, ठोस और द्रव के विलयन को गर्म किया जाता है, द्रव वाष्प में बदल जाता है, पीछे ठोस बचता है, उसे ठंडा करने पर वह अपना क्रिस्टलीय रूप ले लेता है। यही क्रिस्टलीकरण विधि है। अच्छा उदाहरण है शक्कर और पानी के घोल को अलग करना, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं आसवन विधि। आसवन विधि में समझिएगा कि आसवन विधि वहां पर काम आती है जहां पर दो घटकों में तापमान का अंतर भिन्न भिन्न हो, कहे तो तापमान कौन सा, क्वथनांक। देखिएगा घटकों में क्वथनांक में भिन्नता पाई जाएगी, घटकों में क्वथनांक में भिन्नता पाई जाएगी। अब क्वथनांक क्या है, वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है वह उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है वह ताप उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। अब देखिए, हमने दो घटक माना कि दो घटक है ए और बी, शर्त यही है कि इनका क्वथनांक अलग अलग होना चाहिए। अब आसवन विधि और आगे पढ़ेंगे हम प्रवाजी आसवन विधि। आसवन विधि में एक शर्त लगती है कि इनका जो अंतर है वो अधिक होना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए, लगभग 27 केल्विन के आसपास उनमें भिन्नता पाई जानी चाहिए, 27 केल्विन के आसपास, यानी कि एक घटक और दूसरे घटक के क्वथनांक के मध्य 27 केल्विन का अंतर पाया जाना चाहिए। अब इसका उदाहरण लेते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पहली विधि का आसुत जल। आसुत जल इसी विधि द्वारा तैयार किया जाता है। आसुत जल क्या होगा, आपने सुना होगा, यह जल की शुद्ध अवस्था है। यह क्या है, शुद्ध अवस्था, पानी की शुद्ध अवस्था है। हमारे घर पर जो पानी आता है उसमें कई प्रकार के तत्व अशुद्धियां मिली हुई होती है,
तो उसे शुद्ध किया जाता है आसुत जल से। कैसे किया जाता है? पानी को लिया जाता है, फिर उसे गर्म किया जाता है, उसे ऊर्जा दी जाती है, हीट दी जाती है, तो पानी भाप में बदलने लगता है। उस पानी को इकट्ठा करके एक जगह एकत्रित किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, वह होती है आसवन विधि। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार होता है, अगर रफ डायग्राम बनाए तो देखिएगा, यहां से रफ कर देते हैं, ये हमने समझ लिया है। इसका रफ डायग्राम ही देखिएगा आप, यहाँ पर स्टैंड लगा होता है, इसे ऊर्जा दी जाती है, यहाँ पर एक लगा होता है, और फिर यहाँ से एक नली गुजरती है, यहाँ पर बर्फ होता है, या कहें तो इसे के टेम्परेचर को कम किया जाता है, थर्मामीटर भी लगा होता है ताकि हमें कितना टेम्परेचर देना है एक घटक और दूसरे घटक का। यहाँ से इनमें से जिसका कम ना कम होगा वह सबसे पहले वाष्प के रूप में बदलेगा और यहाँ से इधर आएगा, यहाँ पर टेम्परेचर ठंडा होगा। हमने पढ़ा था संघनन और संपीड़न में कि टेम्परेचर ठंडा दिया जाता है, कम किया जाता है, तो वापस गैस द्रव अवस्था में बदलती है। तो यहाँ पर शुद्ध पदार्थ मिलेगा आसुत जल, पानी का शुद्ध रूप यहाँ पर मिलेगा। यह है हमारे पास आसवन विधि। आगे बढ़ते हैं प्रवाजी आसवन विधि। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि वहां पर पढ़ा था कि अंतर होना चाहिए 27 केल्विन से ज्यादा, लेकिन यहां पर यह नहीं है, 27 केल्विन से कम हो तो होती है प्रवाजी आसवन विधि। इसमें अब क्या होता है कि जो हमने डायग्राम वहां पर देखा था उससे थोड़ा सा अलग होता है। डायग्राम वैसे एकेडमिक लेवल पर होते हैं, डायग्राम से क्वेश्चन नहीं आते हैं। प्रवाजी आसवन विधि क्या होती है इसके उदाहरण पूछ सकते हैं, शर्त पूछ सकते हैं। 27 केल्विन, डिग्री नहीं है केल्विन है, यहां से देखिएगा कम हो तो क्या होगा। अगर आप वापस देखना चाहो डायग्राम तो देखिएगा, यहाँ पर स्टोव लगा है, यहाँ से गर्मी दी जा रही है, यहाँ पर बीकर है, रफ डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक कोल लगा होता है फ्लास्क, इसके ऊपर एक और कोलम बना हुआ होता है। इन दोनों में विभिन्नता यही पाई जाती है, बाकी डायग्राम सेम होता है कि शुद्ध अवस्था लिखते हैं, यहाँ पर शुद्ध अवस्था प्राप्त होती है। इन दोनों में विभिन्नता इतनी होती है कि यहाँ पर एक अतिरिक्त फ्लास्क कहें या फिर ट्यूब कहें, परखनली कहें, तो वो जुड़ी रहती है, विशेष प्रकार की होती है, इससे यह यहाँ पर खुला होता है, यहाँ से नलिका गुजरती है और एकत्रित होता है। यही विभिन्नता है, मैं फिर से कह रहा हूँ डायग्राम का ज्यादा महत्व नहीं है। तो प्रवाजी आसवन में वही बात है कि दो घटक होते हैं और दोनों का तापमान अंतःनांक अलग अलग होता है, उसमें अंतर बहुत कम होता है, 27 केल्विन से कम होता है, वहां पर प्रवाजी आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। अच्छा उदाहरण है पेट्रोलियम पदार्थों का पृथक्करण, सबसे अच्छा उदाहरण है। अब पेट्रोलियम पदार्थों का पृथक्करण समझिएगा, पहले केरोसिन आता था, हम लंबी लंबी लाइनें लगाते थे, अब ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि एलपीजी गैस पे चलता है, सरकार ने भी केरोसिन देना कम कर दिया है। तो पेट्रोलियम पदार्थ था केरोसिन, पेट्रोलियम पदार्थों से प्रवाजी आसवन द्वारा पृथक्करण किया जाता है, जिससे हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं देखिएगा, इससे हमें गैसें प्राप्त होती है, इथर प्राप्त होता है, केरोसिन प्राप्त होता है, डीजल, ऑयल, कोल तार, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो डामर कहते हैं, वो भी पेट्रोलियम पदार्थों से ही कुछ मिला जुला के बनता है, इनमें भी कुछ और मिलाया जाता है, कई विधियों से गुजरते हैं, लेकिन उनमें से एक विधि है प्रवाजी आसवन। इन्हें प्राप्त करने के लिए, पेट्रोलियम पदार्थों से इन्हें प्राप्त करने के लिए प्रवाजी आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। उदाहरण हो गए, तरीका हमने समझ लिया, आगे चलते हैं
निसंयंदन। तो देखिएगा निसंयंदन क्या है। निसंयंदन कहें तो सामान्यतः अगर सिंपल शब्दों में कहें तो आप इसे समझ सकते हैं कि यह छानने की प्रक्रिया है। कैसे समझिएगा, वर्षा का जल भूमिगत जल में बदलता है, यह इसी का उदाहरण है, निसंयंत्रण का ही उदाहरण है। आपने देखा होगा यह पृथ्वी की ऊपरी परत है, यहां पर मिट्टी होती है, मिट्टी के नीचे कंकड़ हो सकते हैं, बड़ी बड़ी चट्टाने हो सकती है, पत्थर हो सकते हैं, और जो वर्षा का पानी आता है, रफ डायग्राम है, बादल है, ये जो पानी आता है ये यहाँ से रिस रिस कर धीरे धीरे नीचे चला जाता है, छन कर, और यहाँ पर अंदर माना जाता है कई सारी नदियां भी बहती है। हम ट्यूबवेल में पानी कैसे निकालते हैं, ऐसे ही तो निकालते हैं, यहाँ से ये भाई साहब ट्यूबवेल बन गई हमारी, ये भूमिगत जल ही ऊपर आता है और यह निसंयंत्रण विधि के द्वारा भूमिगत होता है। आगे बढ़ते हैं, वर्णलेखी की विधि, इसे आप सामान्य ही समझे क्योंकि ये प्रयोगशाला में उपयोग ली जाती है भौतिक विधि, लेकिन प्रयोगशाला में इसका ज्यादा उपयोग किया जाता है। इसमें स्याही से रंगों को पृथक किया जा सकता है, स्याही से रंगों का पृथक्करण, इसके उदाहरण और नाम ही याद रखिएगा, यहाँ से सवाल कभी कभी बनते हैं, ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखाएंगे क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में लैंग्वेज का कोई महत्व नहीं है। दूसरा उदाहरण, रक्त से कहें तो औषधियों को दूर करना, को पृथक करना, लेबोरेटरी में जांचों के लिए ज्यादा उपयोग में ली जाती है यह विधि। अब केंद्रीय विधि, आप अगर किसान परिवार से बिलोंग करते हो, आपके घर पे पालतू पशु गाय भैंस है, तो आप इस विधि से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। देखिएगा आपकी मम्मी इस विधि का रोज सवेरे सवेरे उठ के उपयोग करती होगी, उन्हें भी विज्ञान आती है, इसका मतलब वह विज्ञान की विधियों का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा, आपने वो देखा होगा कि सुबह सुबह बिलोना करते हैं हम, मशीन लगी रहती है बिलोने की, अब ये चक्की चक्रा यहाँ पर घूमता है, यह पूरे पदार्थ के मिश्रण को अपकेंद्रित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, केंद्र में लेके आता है। तो देखिएगा ये जब घूमता है तो इसमें हल्के पदार्थ होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं और भारी पदार्थ नीचे चले जाते हैं। कौन सा विलोण करे जन ऊपर माकण आया, नीचे कहीं आया कर खाटी छा, खाटी छा बढ़िया नींद आया करें, पर क्यों आवे, वीरे लारी विज्ञान है, पर आप अखबार नहीं पढ़ा, आगे पढ़ रहे। तो वापस आते हैं यहाँ पर, आओ रहा, हल्के कण ऊपर चले जाते हैं और भारी कण नीचे आ जाते हैं, पृथक्करण हो गए, हम माखन अलग कर लेते हैं और पीछे छाछ मच जाती है, यह है अपकेंद्रीय विधि। आगे बढ़ते हैं, हमने पदार्थों के संगठन के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा, दो प्रकार के होते हैं शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, शुद्ध पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ा, मिश्रणों का वर्गीकरण पढ़ा और मिश्रणों को वापस पृथक करने की विधियां भी पढ़ ली। लेकिन अब आते हैं इनके सवालों पर, कुछ वैकल्पिक क्वेश्चन है जो आप कीजिएगा, देखिएगा यहीं पर, निम्न में से कौन तन्यता का सबसे ज्यादा गुण दर्शाता है, तन्यता का ज्यादा गुण दर्शाता है, तन्य है या नहीं है ये नहीं पूछा गया है, तन्यता का ज्यादा गुण दर्शाता है। ऑप्शन है लोहा, बी लकड़ी, सी मरकरी और डी सोना। तन्य क्या होता है, तार में बदलने का गुण, हमने पढ़ा था सबसे ज्यादा तन्य कौन होता है, सोना, इसे आभूषणों के अंदर उपयोग लेते हैं, तन्यता के गुण के कारण ही इससे अच्छी अच्छी डिजाइने बनाई जाती है। आपने कभी देखा होगा किसी लड़की को
बड़ी सी इयररिंग पहनी हुई, हो सकता है वो सोने की ना हो, किसी अन्य धातु की होती है, सस्ती मिलती है लेकिन सोने की होती है, वो ज्यादा अच्छी लगती है, उसमें तन्यता का गुण अच्छी तरीके से पाया जाता है। सोने को तार में अच्छे से बदला जा सकता है। दूसरा सवाल हमारे सामने, निम्न में से कौन कमरे के ताप पर ठोस अवस्था नहीं दर्शाता है? यह अपवाद का उदाहरण है। निम्न में से कौन कपड़े के ताप पर ठोस अवस्था नहीं दर्शाता है? या फिर कहें तो सवाल में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, नहीं नहीं है सवाल में, इस सवाल में नहीं नहीं है, सवाल है निम्न में से कौन कमरे के ताप पर ठोस अवस्था नहीं दर्शाता है, सॉरी नहीं है, यहाँ पर नहीं दर्शाता है, तो यानी कि नहीं दर्शाता यानी कि द्रव या गैस दर्शाएगा। मैं खुद कंफ्यूज हो गया, वापस देखिएगा कि निम्न में से कौन कमरे के ताप पर ठोस अवस्था दर्शाता, ठोस अवस्था नहीं दर्शाता है, तो इसका अच्छा उदाहरण है मरकरी। हमने अपवाद पढ़ा था Hg, मरकरी यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था पर रहता है, रूम टेम्परेचर पर। बाकी सोडियम ठोस अवस्था में रहता है, धातु है, कपूर भी ठोस अवस्था में रहता है, वो शुष्क बर्फ भी ठोस अवस्था में रहता है। या आपको कंफ्यूज करने के लिए ऊर्ध्वपातन के उदाहरण ऐसे कंपटीशन में पेपर में दिए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिम में से उपधातु है, हमने आसानी से याद करने के लिए ट्रिक देखी थी कि बबलू सिंह जी असली साबुन तेल पोत कर आए, तो देखिएगा Hg मरकरी धातु है, Au सोना धातु है, जर्मेनियम। बबलू सिंह जी से था जर्मेनियम, यह है हमारी उपधातु। तो हो गया सवाल, आगे बढ़ते हैं। कौन सी धातु कठोर नहीं है? अपवाद, अपवादों से सवाल बनते हैं, तो देखिएगा आयरन लोहा कठोर है, कॉपर कठोर है, मैग्नीशियम कठोर है, Na कठोर है। यहाँ पर ऑप्शन एक और ले लेते हैं, कौन सी धातु कठोर नहीं है? तो आयरन, मरकरी हमने पढ़ी थी, यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। सवाल भी रिपीट हो गया और उदाहरण भी विकल्प में नहीं दिया गया, वापस देखते हैं। कौन सी धातु कठोर नहीं है? आयरन कठोर है, कॉपर कठोर है, मैग्नीशियम कठोर है, सोडियम कठोर है, लेकिन Hg मरकरी द्रव अवस्था में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन विद्युत का चालक है? अब देखिए कार्बन अधातु है, यह विद्युत का चालन नहीं रहता दर्शाते हैं, अधातु है, ये ब्रोमीन भी अधातु है, ग्रेफाइट भी अधातु है, लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, हमने पढ़ा था अपवाद, एक अधातु थी जो विद्युत की अच्छी चालक मानी जाती थी, या फिर कहें तो विद्युत की चालक थी, ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है, यह अपवाद है, इनमें से कोई नहीं। आप कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं, आप सीधा देख सकते हैं कि तीनों अधातु हैं तो इनमें से कोई चालन नहीं करेगा विद्युत का, लेकिन आप गलत हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से विषमांगी मिश्रणों का उदाहरण है। विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं? हमने पढ़ा था दो घटकों से मिलकर बना होता है लेकिन अलग अलग दिखाई देते हैं, तो देखिए एल्कोहल और पानी आपस में मिला लीजिएगा, किसी तरह का अंतर नहीं दिखाई देगा। नमक और पानी आपस में मिला लीजिए, किसी तरह का अंतर नहीं दिखाई देगा, ये दोनों समांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। पीछे बचा तेल और पानी भी समांगी मिश्रण का उदाहरण है, हमने पढ़ा था पानी की परत ऊपर जम जाएगी, नहीं सॉरी, तेल की परत ऊपर जम जाएगी और पानी की परत नीचे रह जाएगी। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों को पृथक करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हमने पढ़ा था प्रभाजी आसवन,
पढ़ा था, यही विधि यहाँ पर है। और आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट सवाल था, आगे नहीं बढ़ सकते इससे ज्यादा। तो आज हमने पढ़े पदार्थों के संगठन आधार पर वर्गीकरण और फिर उससे संबंधित कुछ सवाल किए। हमारी आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।